हमने पहले से यहाँ कुछ बना रखा है तो हम इसका यूज करेंगे आज इसके लिए। ये ले लिया, हमें बनाना जंपसूट है तो ये लेते हैं यहाँ से। इसके एक्स्ट्रा तो है, उसको करते हैं डिलीट। ये हो गया डिलीट, ये भी 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 डिलीट, ये नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट। इसको करो, कन्वर्ट कर पिक्चर। इसको और ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, आगे से और थोड़ा नीचे आ जाएगा ये एरिया। क्लिक करा कन्वर्ट टू कर्वेचर। नहीं कह रही, थोड़ा बड़ा होगा तो इसको करते हैं थोड़ा बड़ा। ये थोड़ा राउंड करना है तो आगे वाला लिया। इसको यहाँ से आ जा, ये रहेगा, इसके बीच में एक ऐड कर देते हैं एम पॉइंट। कर लिया, इसको कर दिया फ्लैट। अब इसको अपने हिसाब से फिट कर लिया, सेम इधर का किया, इसको कर दिया फ्लैट। देन इसे कर दिया सेट। इसे करो और नीचे ठीक है। अब आते हैं बैक साइड में, तो बैक साइड में यहाँ भी एक पॉइंट ऐड कर लिया। ये हो गया सेंटर। यहाँ कर रहा है इसका
इसका कर्म कर दिया ये। अच्छे ये हो गया सेट। अब हम आते हैं साइज, इसकी साइज आएगी यहाँ तक, तो ये करेंगे कुछ यहाँ, इसका सेलेक्ट करा शिफ्ट अप एरो के साथ। ये कर दिया, ये सिलेक्ट करा अलाइन राइट। ये सिलेक्ट करा अलाइन लेफ्ट। सेम पीछे का ये सिलेक्ट करा अलाइन राइट। अलाइन लेफ्ट। ये आगे से ज़्यादा ढीला हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का है, तो इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लिया। इसकी बाजू थोड़ा बड़ा करेंगे, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, दोनों साथ में करेंगे तो बराबर रहेगा। और थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे, तो इसके लिए पहले हम इसके बेस को ढीला करेंगे। और साथ में अब इसको ढीला कर लेंगे। ये साइज 21 है, अप्रोक्स इसके पास कर लेंगे, ज़्यादा ढीला हो गया, कहीं नहीं, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा कम कर लिया, ये ऊपर से ठीक है। ये हमारा साइज कम हो रहा है, इसकी साइज है 22 पॉइंट कुछ और इसका है 18, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये 21 है, तो इसको थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी बार बार कि ये फिटिंग ऐसे ही से।
ये आवाज़ पास हो गया 21.19.34, ये हो गया 19.65। अब ये फिट बैठ गया, ये भी फिट बैठ गया। इसका साइज थोड़ा कम करना है, ये इतना ढीला है तो सही से फिट बैठे। इसका है 70 70, ठीक है। अब हमें बनाना है ये ऊपर का पार्ट हो गया, अब हमें करना है नीचे का। तो इसके लिए अब हम यहाँ से पहले इसको साइड में करते हैं, ये पैटर्न उठाएंगे, इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ से एक पैटर्न बनाएंगे हम, यहाँ से लिया हमने पॉलीगन, ये कुछ यहाँ से ये यहाँ तक, ये ले लिया। तो ये हो जाएगा सेप, यहाँ थोड़ा ढीला होगा तो इसको करते हैं यहाँ सेलेक्ट। जी सेप कर्वेचर में आएगा तो इसका कर्वेचर सेट कर लिया हमने। इसी का करा मिरर, यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करो, यहाँ से मिरर पेस्ट कॉपी मिरर पेस्ट। अब इसका करेंगे इसको कर दो, इसके बाद इसका कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये कर लिया, ये हो जाएगा। बैक साइड के लिए इसको लाते हैं यहाँ पे इसके बैक में, सेलेक्ट करो। अब यहाँ से इसका होता है, एक होता है लिंक, कोई नहीं देखेंगे ये। इसको ले चलते हैं यहाँ, इसको ले चलते हैं यहाँ, इसका सेंटर में ले लेंगे एक एज, इसे करो स्प्लिट यूनिफॉर्म, यहाँ आ गया, इसको करो स्प्लिट यूनिफॉर्म, ओके ये स्प्लिट हो गया। तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, फ्रंट को फ्रंट से, बैक को बैक से, तो इसको यहाँ से ले लिया सिंग, यहाँ आ गए
Becco. Bisco. इससे करना है तो यहाँ से लिया सिंह कर दिया सिंह इसको इससे कर दिया सिंह इसको इससे कर दिया सिंह इसको इससे कर दिया सिंह अब इसको कर दिया सिमुलेट ये इससे हमारा ज़्यादा आ रहा है इसको इससे सिंक कर देंगे ये थोड़ा लंबा रहता है तो इसको ऐसे ही रखेंगे ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा हमारा इसको कर देते हैं सीधा अब सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ मूव कर लिया ये इसके साथ आ जाएगा ये इसके साथ आ जाएगा सिंह तो हो गया बट ये बहुत टाइट है तो इसको ढीला करने के लिए हम करेंगे थोड़ा ढीला के लिए इसके पैटर्न को थोड़ा बड़ा करेंगे या तो स्टार्टिंग में हम सिमेट्रिकल ले लें तो एक साइड करेंगे दूसरी साइड वो हो जाएगा इसके तो इसको थोड़ा इधर इसको थोड़ा थोड़ा सा ढीला होगा ऊपर से तो इसको कर दिया इधर बड़ा कर दिया ये एरिया थोड़ा सा ये थोड़ा टाइट हो रहा है तो इसके लिए हम जो हमारा बैक का पार्ट है थोड़ा सा कर्वेचर दे देंगे इसके साथ इसको इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसके पैक दोनों है इसको सिलेक्ट करा थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया इसका साइज ज्यादा है इसका कम है इसका 22 है इसका 19 है
तो ये दोनों आसपास होना चाहिए। ये हो गया। थोड़ा सा और ढीला करना है हमें। यहाँ नेसेसरी फोल्ड आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि इसका और इसका साइज 23 है, इसका और इसका साइज 20 है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसका बड़ा थोड़ा सा छोटा। इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ यहाँ से, कर्वेचर हम कुत्ते दे देंगे, पीछे वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इनको सिलेक्ट करो, इसको करते हैं अलाइन टू टॉप। ना चलेगा, ये थोड़ा सा ढीला होगा, और तो इसको थोड़ा सा थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है तो इसको ढीला करने के लिए हम क्रेचर लेंगे, इसको बाहर कर लिया, थोड़ा इसको बाहर, थोड़ा इसको बाहर, ये थोड़ा टाइट, ये ढीला हो रहा है, ये टाइट हो रहा है, तो इसके लिए हम दोनों का साइज बराबर कर देंगे। हमारा बेस हो गया, अगर इस पे हमें डालना है तो ये डालते हैं। यहाँ थोड़े से फॉल्ट चाहिए हमें, तो जी थोड़े से छोटे कर देंगे पैटर्न।
फोल्ड के लिए यहाँ पे थोड़े फोल्ड चाहिए, तो इसके लिए हम इस पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये बन गया हमें। इधर से ये थोड़ा सा अब हम इसमें कटआउट्स देंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट डालेंगे एक, इसको कर दिया इंटरनल लाइन, इंटरनल लाइन का इंटरनल लाइन कर दिया 1। कट एंड सीओ, इसको कर दिया क्लोन ओवर। ठीक है, ये जितने क्लोन ओवर करेंगे इसको थोड़ा सा अलग लेयर में रखेंगे, तो यहाँ कर दिया डिलीट, ये हमारा बन गया। इसको सिलेक्ट करो, इसमें डाल दिया, क्योंकि हल्का सा इसमें फोल्ड डालेंगे हम। सेम दूसरी साइड इंटरनल लाइन वन, कट एंड सीओ, सिलेक्ट क्लोन ओवर। इसको करते हैं इसके अंदर, नीचे भी आएगा, तो नीचे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट इंटरनल लाइन ऑन, इसको नीचे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, इंटरनल लाइन इसको कर दिया 1.5, इसको करते हैं 2। ठीक है, ये थोड़ा ठीक रहता है, तो इसको 2 कर दिया। यहाँ से अब इसको करा कट, एंड सेव, यहाँ सबको सेलेक्ट करा, पैटर्न क्लोन लेयर क्लोन ओवर। इसको डाल दिया इसके अंदर, सारे आ गए, एक यहाँ आएगा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करा इंटरनल लाइन, इसको भी रखा 1, इसको करा कट, एलसीओ, सेलेक्ट करा क्लोन ओवर। इसको डाल दिया इस लेयर के अंदर,
अब हम ये जो भी कट कर रहा है हमने, इनको सेलेक्ट कर रहा, कंट्रोल के, ये हो गया फ्रीज। ये थोड़े से डिप फोल्ड चाहिए हमें, तो इसको सिलेक्ट कर रहा हमने, इसको भी सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। अब इसमें डाल देंगे सिंक रैप 1.102। कर दिया 1.01। कंट्रोल के, यही मटेरियल डाल दिया। यहाँ से उठाया, इस पे ड्रैग, इसको इसकी साइज थोड़ी सी चेंज कर लेंगे हम। जैसे कि ये ब्रेक हो गया, अब इसको करो सेव, फाइल सेव एज प्रोजेक्ट। तो सेट कर लिया हमने, इसके बाद इसमें हम एक पूज लगा लेंगे, एनिमेशन रिकॉर्ड इसमें ये वाला पूज लगा लेंगे हम। ये हमारा हो गया डन।